गैंगस्टर रिंदा के नाम से ब्यूटी पार्लर डॉक्टरों से हफ्ता मांगने वाले 20 और 21 साल के दो आरोपियों को नांदेड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नांदेड़ शहर में रिंदा के नाम से डॉक्टरों से फिरौती मांगने का मामला अब आम हो चुका और उसी में दीपावली के पावन अवसर पर 20 और 21 वर्ष के दो किशोर ने रिंदा के नाम से फ़ोन करते हुए ब्यूटी पार्लर्स के मालिकों को अलग अलग नंबर से फ़ोन करके धमकी दिया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने 5 लाख रुपए के हफ्ते नहीं दिए तो। अब ये मामला जैसे ही ब्यूटी पार्लर्स के मालिकों ने पुलिस को बताया तो पुलिस ने तपास किया और तपास में दो नांदेड़ के ही किशोरों को गिरफ्तार किया। बहुत ही हैरान कर देने वाली मामला ये है कि ये दोनों 20 और 21 वर्ष के हैं जिनकी पहचान है अमित अनिल स्वामचंद उम्र 21 वर्ष और दूसरा है जसप्रीत सिंह प्रताप सिंह मड़ालू। ये दोनों जो है नांदेड़ के रहने वाले ये किशोर किस तरीके से रिंदा के नाम से ब्यूटी पार्लर के मालिकों से हफ्ता मांग रहे थे जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद नांदेड़ शहर के DYSP जो इस पूरे मामलात को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सुशील कुमार नायक, उन्होंने क्या जानकारी दी है पत्रकार परिषद करते हुए वो हम आपको सुनाते हैं। उनको एक्सटॉर्शन का कॉल आया था, उसमें बोला गया था कि रिंदा बात कर रहा हूँ और उनको 5 लाख रुपए चाहिए। ये पहले दिन का कॉल था। उसके 2 दिन बाद फिर उनको एक कॉल आया था कि आप 8 बजे तक हमको 5 लाख रुपए दे दीजिए और उसमें उनको धमकाने के लिए एक आदमी भी उनके शॉप में भेजा गया था। बाद में टेक्निकल एविडेंस और जो भी हमारे पास CCTV थे वहाँ हमने पूरा उसका छानबीन किया और माननीय पुलिस अधीक्षक सर उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमने दो आरोपी अभी हमारे कस्टडी में है वो, और उन्होंने उनको पूछताछ की तो उन्होंने गुनाह कबूल किया है और इसका तपास अभी चल रहा है। अपील यही करूंगा कि जिसको भी ऐसा कॉल आता है एक्सटॉर्शन के बारे में तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस स्टेशन में या पुलिस SP ऑफिस में या SDPO के पास किसी के पास भी जाके इसकी इंटीमेशन पुलिस को दे दे। उनका नाम हम गोपनीय रखेंगे और हम बिल्कुल वो आरोपी को लेके उनके ऊपर जो आरोपी है उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।